हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए देखते हैं अपने अगला स्टॉक के बारे में। अपना जो अगला स्टॉक है ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेड है। ओरियन ग्रीन पावर की बात करो, 50 पैसे बढ़त के साथ 20 रुपया 50 पैसे पे क्लोजिंग दिया है। देखा जाए बीते कल को, अभी देखा जाए तो अपने ये रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पीछे जाइए, देखिए सपोर्ट की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा था। तो जो पहले सपोर्ट रहता अगर उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो ये ब्रेक करके नीचे चला है इसी के सपोर्ट को, तो ये अब इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, देखिए कितनी बार यहाँ पे गया, यहीं से नीचे चला आया, इसके ऊपर ट्रेड करता है 22 या 23 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। और ये जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है 19 रुपया 44 पैसा, 19 के करीब में आप स्टॉप लॉस, सबसे सेफ स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख सकते हैं 17 रुपया 50 पैसे करीब। देखा है इसमें ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये जब भी आया अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए नीचे आ रहा था, लेकिन अभी प्राइस एक्शन बना रहा है। तो ये प्राइस एक्शन बनाते हुए अगर ऊपर 23 के ऊपर जाता है तो फिर रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तब ये इसके लिए सपोर्ट की तरफ वर्क करना शुरू कर देगा और ये तगड़ा सपोर्ट हो जाएगा, लंबा सपोर्ट मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ से ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाएगी। पर थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट कीजिए, जैसे रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो फिर आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 17 रुपया 50 पैसे करीब में रख सकते हैं और फर्स्ट टारगेट आपका 30 रहेगा और सेकेंड टारगेट आपका 34 के करीब में रहेगा। जैसे इसके ऊपर क्रॉस करके डेली कैंडल क्लोज करता है और सस्टेन करता है तो फिर ये टारगेट 49 के करीब में जा सकता है, इजिली जा सकता है, क्योंकि ये पावर सेक्टर का स्टॉक है, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो इसमें इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।